थानेदार जो कहते हैं ना कि हम गिरफ्तार करके कुछ भी कर लेंगे, तो उसको थोड़ा एक बार कहिएगा यदि 24 घंटे में वो नहीं ले गया तो आप फटाक से क्या कीजिए, सीधे कहां पे सुप्रीम कोर्ट, तो पुलिस बताएगी कि आर्टिकल 32 में कितने प्रकार का रिट। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, क्या है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा है कि आपको कोई भी व्यक्ति को यदि आप बंदी बनाए हैं तो सशरीर लाना पड़ेगा, सशरीर प्रस्तुत क्या करना पड़ेगा, सशरीर प्रस्तुत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे आपको कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला डिटेन कर दे, डिटेन का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना, डिटेन का अर्थ गिरफ्तार। अगर आपको कोई डिटेन कर दे तो नियम क्या कहता है कि उसे कितने घंटे में ले जाना है, 24। यदि 24 घंटे में वो नहीं ले गया, यदि 24 घंटे में नहीं ले गया तो आप फटाक से क्या कीजिए, हैबियस कॉर्पस सीधे कहां पे सुप्रीम कोर्ट। अब वो तो जेल में है, थाने में बंद है। समझ में आ गया कि जेल और थाने में अंतर होता है। जेल किसके अंदर में है, कोर्ट, थाना पुलिस। थाना में कौन आएगा कौन जाएगा इसका कोई नियम कानून नहीं। जेल में फिक्स है कौन आया, इंट्री होगी, कब गया, एग्जिट होगा। यहाँ पे आने से पहले मेडिकल, जाने के बाद मेडिकल, जैसे आया तब वैसे ही गया कि नहीं गया, बहुत रूल रेगुलेशन है। तो आपका कोई रिलेटिव जाएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा देगा, हैबियस कॉर्पस, कि ये रहा सबूत, इस दिन पुलिस इसे उठा के ले गई थी और अभी तक न्यायालय में नहीं लाई है। तो हैबियस कॉर्पस में जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, पहले तो उस कोर्ट को आदेश देगा, उस थाने को आदेश देगा कि तुम अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को ले जाओ। तो ये तो हैबियस कॉर्पस हो गया। अब उस सुप्रीम कोर्ट दूसरा एक्शन लेगा। पहला एक्शन तो भाई उस व्यक्ति को न्याय दिलाना, जरूरी नहीं कि निर्दोष हो, वो अपराधी भी हो सकता है। तो उसके बाद में क्यों आएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि पुलिस स्टेशन अपने नजदीकी न्यायालय में इसे प्रस्तुत कीजिए, प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो कोर्ट के सहयोग वो शो कॉज नोटिस जारी करेगा। शो मतलब दिखाओ, कॉज मतलब कारण, कारण बताओ नोटिस, हिंदी में कहते हैं कारण बताओ नोटिस, इंग्लिश में कहते हैं शो कॉज नोटिस। उस पुलिस स्टेशन को जारी किया जाएगा शो कॉज, कारण बताओ कि क्यों 24 घंटा से ज्यादा लेट हुआ था। तो पुलिस बताएगी कि कारण यह था कि हमारे थाना में बाढ़ का पानी घुस गया था हम बिहार में ना है, पानी घुस गया था बाढ़ का। तो उसे अपना स्पष्टीकरण कारण देना पड़ेगा और वो कारण सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं और उस कारण को सोच रहा स्टैम्प पेपर पे लेता है, उसे हलफनामा कहा जाता है कि ये गारंटी है, इसमें एक को कॉमा फुल स्टॉप, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और यदि हलफनामा में, हलफनामा का अर्थ होता है कि अगर इसमें लिखी गई जानकारी गलत हुई तो मैं जेल खुद भुगतूंगा, हालत खराब हो जाएगा हलफनामा लिखते समय वहां पे। तो लिखेंगे कि किस कारण से, एक को गाड़ी नहीं था, पंचर था, या बिहार बंद चल रहा था, या फिर कोई दंगे फसाद हो गए थे, हमारी पूरी फोर्स उसमें बिजी थी, या फिर कुछ ना कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो सके। और आप अगर सो कॉज नोटिस बताने में सफल हो गए तब तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत डांट के छोड़ देगा कि जब तुमको इतना ही लगता है तो पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा पुलिस क्यों नहीं बुला लिए। एसपी ऑफिस जो होती है ना, वहां एक पुलिस लाइन होता है जहां 500-600 जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा पुलिस रहते हैं, तो कह देगा पुलिस लाइन से क्यों नहीं बुलाए, पुलिस एसपी साहब को बुलाओ दरोगा के चक्कर में एसपी को लपटाएंगे वहां पे, आपने क्यों नहीं दिया पुलिस लाइन से, सारी मंगवे नहीं किया था अरे एसपी झाड़ के निकल जाएगा अपना बात, थाने में ना चौपट किए हैं आप। तो लेकिन अगर सो कॉज अर्थात कारण बताओ नोटिस में आप सफल नहीं हो पाए तो होगा आपका मोए मोए। तो सो कॉज नोटिस के बाद अब आपके ऊपर लापरवाही का मुकदमा चलेगा। किस चीज का मुकदमा, लापरवाही। सुप्रीम कोर्ट हो सके तो आपको सस्पेंड कर दे, दिमाग जरल रहेगा तो टर्मिनेट कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करेगा ना आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हैबियस कॉर्पस कितना खतरनाक चीज है कि सोचिए, एक थानेदार जो कहते हैं ना कि हम गिरफ्तार करके कुछ भी कर लेंगे, तो उसको थोड़ा एक बार कहिएगा ठीक है आर्टिकल 32 जानते हैं ना, 24 घंटा से ज्यादा कुछ ना होने देंगे, यहाँ पर तनियों गड़बड़ा जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा। तो सोचिए, एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से देश में घूम रहा है बिना पुलिस के खौफ से, उसे ये लग रहा है कि पुलिस हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार के रीट है उसमें जो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण, तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था बीपीएससी में कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी रीट कौन सा है, तो वो है हैबियस कॉर्पस। क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी रीट हैबियस कॉर्पस। कोई दिक्कत है किसी को, हैबियस कॉर्पस समझ में आ गया, 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना पड़ेगा, न्यायालय। अच्छा, अगर सो कॉल नोटिस में अगर उसने बता दिया तो सेटिस्फाई हो जाएगा जज, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
वो जज सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर छोड़ देगा। काके के आगे से ध्यान रखिएगा, कोर्ट के पास जाइएगा ना तो जज इमोशन खत्म करके सुनता है, वहां पे उसको लगता है कि कोर्ट का जो जज होते हैं उनकी मेंटेलिटी ये सच भी बोल रहा है झूठ भी बोल रहा है, और उधर से बचाव पक्ष के भी वही दिमाग में सोचेगा सच भी बोल रहा है झूठ भी बोल रहा है, तो एकदम न्यूट्रल होकर सोचता है। समझा कि नहीं आ गया? जज को ऐसा भी लगता है कि जज नहीं तो नहीं, कहीं से पढ़ लिया होगा, खान सर का फाउंडेशन बैच चलाया है 32 का लेके उपयोग सुप्रीम कोर्ट में, समझा गया तो डांट देंगे, जाओ अभी अच्छा से फाउंडेशन पढ़ो। समझा कि नहीं आ गया? तो डांट सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल डांट सकते हैं। आर्टिकल 32 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी, हाँ आर्टिकल 32।